हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट टू है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संग मिंसी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम चैन की फैन हो? मिंसी बताती है, नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ। इस मैनेजर चैन से पूछता है, क्या तुम स्कूल जाओगे? चैन बोलता है, नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं तो कभी नहीं जाऊँगा। चैन स्कूल नहीं जाता तो मैनेजर उसे उस लड़की के पास ले आता है जिसने उसे जबरदस्ती किस किया था। मैनेजर चैन को उस लड़की के पास अंदर जाकर माफी मांगने को कहता है। चैन बहुत सोचने के बाद ऐसा करने से मना कर देता है और स्कूल जाने का ही डिसाइड करता है। स्कूल में जे को मिंसी दिखती है और उसे अपनी इंसल्ट का बदला लेने का सोचता है। जे मिंसी को बोलता है, मैंने कल बहुत ज्यादा सोचा, हमने तुम्हें सही से वेलकम नहीं किया, इसलिए हमारी क्लास का रेडियो यानी डॉग तुम्हें एक सॉन्ग सुनाएगा, पर पहले तुम्हें कोई भी डांस या सॉन्ग गाकर सुनाना होगा। मिंसी बोलती है, मैं नहीं करूंगी। जे पूछता है, तुम क्यों नहीं करना चाहती? मिंसी बोलती है, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। जे और उसका फ्रेंड मिंसी पर चिल्लाते हैं, पर मिंसी उनसे नहीं डरती। चैन भी क्लास के बाहर खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा होता है। जे मिंसी से फिर से पूछता है, तुम सच में नहीं करना चाहती? मिंसी बोलती है, हाँ मैं सच में नहीं करना चाहती। जैन को जे पर गुस्सा आता है, उसे डांटने के लिए खड़ा होने ही वाला होता है। जे मिंसी को बोलता है, कोई बात नहीं अगर तुम नहीं करना चाहती हो। जे डोंग को गाना गाकर सुनाने को कहता है, रेडियो तुम गाना सुनाओ। डोंग को गुस्सा आता है क्योंकि जे उसे हमेशा गाना गवा कर क्लास में उसका मजाक बनवाता है। जे डोंग खुद जान कर बार बार तेज आवाज में गाना गाने को कहता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। डोंग गाना गाते गाते रोने लग जाता है। जे का मन भर जाता है तो डोंग को गाना गाना बंद करने को कहता है, पर डोंग नहीं रुकता। जे को गुस्सा आता है, मिंसी भी जे के साथ गाने लग जाती है, जिसके बाद जे का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। चैन मिंसी के लिए खड़ा हो जाता है और चैन भी क्लास के अंदर आ जाता है। जे चैन को देख कर चुप हो जाता है। चैन सीधा मिंसी के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे सीट पार्टनर बनोगी? पूरी क्लास ये सुनकर शॉक हो जाती है। चैन मिंसी के साथ इसलिए बैठना चाहता है क्योंकि मिंसी उसकी फैन नहीं, यानी उसे उसके साथ बैठना सेफ लगता है, पर मिंसी मना कर देती है और चैन को नाना के पास जाकर बैठना पड़ता है। क्लास खत्म होने के बाद नाना भी चैन को सीट चेंज करने को कहती है। चैन तुरंत मिंसी के पास आकर बैठ जाता है, जैसे कि इंतजार ही कर रहा था। मिंसी चैन को बोलती है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहती। चैन बोलता है, मैं खुद नहीं आया, उसने मुझे भगाया है सीट से, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सुनकर मिंसी नाना के पास जाकर बैठ जाती है और क्यूट फेस बनाकर उसे मनाने की कोशिश करती है, पर चैन की ट्रिक नाना पर काम नहीं कर पाती और उसे वापस चैन के पास आकर बैठना पड़ता है। चैन बोलता है, तुम कोई पिंग पोंग बॉल हो क्या, इधर उधर फुदक रही हो? मिंसी बोलती है, ज्यादा मत बोलो, मेरा फोन वापस करो, तुमने कहा था फोटो डिलीट कर वापस कर दोगे। चैन मिंसी के मुंह पर हाथ रख देता है, इससे पहले मिंसी क्लास में सभी के सामने और कुछ बोले। मिंसी चैन को धक्का मार देती है, पूरी क्लास मिंसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। चैन को मिंसी पर गुस्सा आता है, पर सभी स्टूडेंट की नज़र उस पर होती है तो कुछ नहीं कर पाता। चैन मिंसी को वहाँ से अपनी वैन में लेकर जा रहा होता है। जंग उसे देख लेता है। चैन अपने मैनेजर को भी वैन से निकाल देता है। मिंसी चैन से पूछती है, बताओ क्या बात करना चाहते हो? चैन बोलता है, जो भी लड़ाई हमारे बीच है उसे यहीं खत्म कर दो बात करके। मिंसी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने आरी को किस किया था। चैन बोलता है, मुझे पता है तुम किसी को नहीं बताओगी। मिंसी बोलती है, क्या बोलना चाहते हो? चैन मिंसी के क्लोज आकर बोलता है, मेरा मतलब है तुम क्या बताओगी, मैं तो बस उसके पास खड़ा था। वैन के बाहर मैनेजर परेशान होता है, पता नहीं चैन अंदर मिंसी के साथ क्या कर रहा होगा। मिंसी चैन को दूर होने को कहती है। चैन बताता है, मेरे पास कुछ नहीं छुपाने को, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी जैसी लड़की मुझे ब्लैकमेल करने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाए। और चैन मिंसी को बोलता है, अब हमारे बीच सारी गलतफहमी दूर हो गई है, इसलिए मेरी सीट पार्टनर बन जाओ, मेरे साथ रहोगी तो तुम भी फेमस हो जाओगी। लेकिन मिंसी मना कर देती है। चैन मिंसी को उसका फोन दिखा रहा होता है। मिंसी चैन से छीन लेती है। चैन मिंसी से पूछता है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मिंसी बिना कुछ बताए फोन लेकर बाहर निकल जाती है। चैन वापस क्लास में आता है और देखता है मिंसी क्लास में नहीं है और स्टूडेंट ने डेस्क पर मिंसी के लिए बैड कमेंट लिखी है, क्योंकि मिंसी ने चैन को धक्का दे दिया था। दूसरी ओर मिंसी स्कूल के टेरेस पर जाकर अपने फोन से गाने सुनती है।
मिन्सी देखती है चैन ने अपने सारे गाने उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। मिन्सी पहले तो डिलीट करने लगती है पर फिर नहीं करती और चैन के सॉन्ग सुनती है। क्लास खत्म होने के बाद जैंग चैन को मैसेज कर हार मिलने के लिए बुलाता है। चैन जैंग से पूछता है, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। जैंग चैन को सीट चेंज करने को कहता है। चैन बोलता है, मुझे नहीं लगता तुमने बस मुझे ये कहने के लिए बुलाया है। जैंग चैन से पूछता है, क्या तुम मिन्सी को पहले से जानते हो। चैन बोलता है, नहीं। चैन पूछता है, तो उस दिन तुम मिन्सी का पीछा क्यों कर रहे थे। चैन बताता है, क्योंकि मुझे उसे कुछ वापस करना था। चैन बोलता है, एक्सचेंजर को तुम क्या वापस करना चाहते थे। चैन बोलता है, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारी वाइफ है। और चैन जैंग को सीट चेंज करने से भी साफ मना कर देता है, मैं चेंज नहीं करूंगा। चैन बोलता है, तो तुम नहीं मानोगे। चैन पूछता है, ये बताओ तुम्हें मिन्सी में इतना इंटरेस्ट क्यों है। जैंग के पास कोई जवाब नहीं होता। तुसी और मिन्सी अपने सीट पर लिखे हुए कमेंट्स पढ़ रही होती है। तभी चैन क्लास में आता है और उस पर फाइल रख देता है ताकि मिन्सी उन्हें इग्नोर कर दे। जैंग मिन्सी को बताता है, टीचर डॉक ने म्यूजिक टेस्ट लेने वाली है तो तुम मेरे साथ ग्रुप में आ जाओ। मिन्सी मान जाती है क्योंकि उसे म्यूजिक बहुत पसंद है। चैन भी वहां आ जाता है और सीट पर बैठ जाता है। जैंग मिन्सी को शाम को 7 बजे प्रैक्टिस के लिए पार्क में बुलाता है। मिन्सी एग्री हो जाती है। चैन को दोनों को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। जैंग के वहां से जाने के बाद मिन्सी चैन को बोलती है, तुम यहां बैठ सकते हो। चैन मिन्सी को बोलता है, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली, यहां बैठना है या नहीं मैं खुद चूज कर सकता हूं। दूसरी ओर जीहून टीचर टॉप को मना कर देता है, मैं चैरिटी इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। जीहून जानकर ऐसा करता है क्योंकि उसे खुद पर बहुत घमंड है। उसके जैसा पियानिस्ट और कोई नहीं है स्कूल में। दो के बाद वाइस प्रिंसिपल को जाकर बताती है, चैरिटी इवेंट में हमारे स्कूल की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। वाइस प्रिंसिपल बोलता है, अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी तो तुम अपनी नौकरी भूल जाओ, नहीं तो कोशिश करो कि परफॉर्मेंस हो जाए। शाम को मिन्सी पार्क में चैन का इंतजार कर रही होती है। चैन नहीं आता तो उसे कॉल करती है पर वो पिक नहीं करता। मिन्सी अकेले ही सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही होती है। चैन भी वहाँ आ जाता है उन्हें देखने के लिए कि दोनों साथ में क्या करेंगे। चैन देखता है जैन नहीं आया, यानी मिन्सी अकेली है। एक आदमी मिन्सी को अकेला देखकर उसके पास आता है। मिन्सी को लगता है वो कोई बदमाश है। तभी चैन वहाँ आकर मिन्सी को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। मिन्सी चैन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। चैन बताता है, मैं अपने सॉन्ग के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था। और मिन्सी को बोलता है, वैसे तुमने मुझे थैंक्स नहीं कहा, मैंने तुम्हें उस आदमी से बचाया। मिन्सी थैंक्स बोल देती है। चैन बोलता है, सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे कुछ खिलाना या पिलाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। मिन्सी के लिप्स पर दूध लग जाता है। चैन उसे साफ करने ही वाला होता है पर मिन्सी पहले ही खुद साफ कर लेती है। मिन्सी को देखकर चैन को उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं। चैन का दिमाग ही खराब हो जाता है इसलिए मिन्सी को वहाँ से चलने को कहता है। मिन्सी वापस घर जा रही होती है तभी मिन्सी को जैंग का कॉल आता है और माफी मांगता है, मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाया। मिन्सी जैंग को बोलती है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्कूल में चैन देखता है मिन्सी जैंग को देखकर मुस्कुरा रही है और उसे देख भी नहीं रही। चैन ये देखकर जोर से अपना बैग सीट पर पटकता है। इसके बाद म्यूजिक क्लास में मिन्सी चैन के साथ सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही होती है। चैन मिन्सी को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर सोचता है, जब ये जैंग के साथ होती है तो हंसती है पर मेरे साथ होती है तो इसे क्या हो जाता है। चैन ये सब और देख नहीं पाता इसलिए चैन भी उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। जैंग चैन से पूछता है, अचानक से तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया। चैन बताता है, माइंड चेंज नहीं हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई है। सभी बच्चे मेरे एटीट्यूड को लेकर बैड आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं तुम्हें फोन चेक करा सकता हूँ। जैंग सुनकर मान जाता है। चैन अपने लिखे सॉन्ग पर दोनों को प्रैक्टिस करने को कहता है। मिन्सी मना कर देती है, मुझे ये सॉन्ग पसंद नहीं। जैंग मिन्सी को समझाता है, हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। मिन्सी तुरंत मान जाती है। देखकर चैन मिन्सी को बोलता है, तुम जानकर ऐसा कर रही थी ना। मिन्सी कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद तीनों साथ में सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं। के बाद हमें दिखाया जाता है मिन्सी अपना फोन चेक करती है और देखती है चैन ने उसकी मदर का कॉल पिक किया था। मिन्सी चैन पर चिल्लाती है, तुमने मेरी परमिशन के बिना ऐसा क्यों किया। चैन एम्बैरस होकर मिन्सी को वैन में ही ले जाता है बात करने के लिए। वहाँ दोनों लड़ने लग जाते हैं। दोनों को लड़ता हुआ देखकर मैनेजर खुद ही वैन से निकल जाता है। चैन मिन्सी को बताता है, तुम्हारी मदर का कॉल था इसलिए उठाया था। मिन्सी बोलती है, जब तुम्हें दूसरों के मैटर नहीं पता और उनके इमोशन को नहीं समझ सकते
तो उसमें अपनी टांग मत अड़ाया करो। मिन्सी ये कहकर वहाँ से जा रही होती है। चयन के मुँह से गलती से निकल जाता है, एक बार तुम अपनी मदर को कॉल कर देना। मिन्सी ये सुनकर चयन पर और भी भड़क जाती है और चयन को खुद पर ही गुस्सा आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग है, बाय बाय।